सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में रात से तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के मुख्य मार्गों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। शहर की मुख्य सड़कें गीता भवन चौक सेक्टर 14 ककरोई रोड पर कई कई फुट पानी खड़ा हो गया है, जिसमें बाइक और गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। सोनीपत प्रशासन जिस तरह से दावे कर रहा था कि बरसात से पहले हर प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, पर यह तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सोनीपत की पहली बरसात ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। सोनीपत के सभी चौक चौराहों पर पानी ही पानी नजर आया। शहरवासियों ने कहा, जो मानसून शुरू हुआ है उसकी पहली बरसात है। बरसात ने शासन की पोल खोल दी है। पहली ही बरसात में शहर की व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हर चौक चौराहे पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में बाइक और स्कूटी तैरती नजर आई हैं। पुलिस वाले वाहनों को धक्का लगाते नजर आए हैं और पानी से बाहर निकालते नजर आए हैं। ककरोई चौक फ्लाईओवर के पास पानी ही पानी नजर आया और खुद पुलिस वाले वाहनों को धक्का लगाते नजर आए और पानी से पैदल बाइकों को ले जाते नजर आए। सोनीपत का गीता भवन चौक, मिशन चौक, ककरोई चौक लबालब पानी से भरा हुआ है और गाड़ियां पानी के अंदर रोड पर ही रुक गई हैं। सोनीपत प्रशासन पहले ही कह रहा था कि हमने बरसात से पहले एक व्यवस्था पूरी कर दी गई है, पर मानसून की पहली बारिश ने सोनीपत प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। तो मानसून शुरू हुआ है, हम इसके पहली बारिश ही कह सकते हैं, लेकिन पहली बारिश में ही शहर की व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हर चौक पे, हर चौराहे पे इतना पानी भरा है कि गाड़ियां तक डूबते नजर आ रही है। यहाँ तक ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे इतना पानी भरा है कि हमने खुद पुलिस वालों को देखा है कि धक्के मार के गाड़ी निकलवाते हुए। और गीता भवन चौक है, मिशन चौक है, यहाँ पे इतना पानी भरा है कि गाड़ियाँ पानी के अंदर ही रुक गई है। और स्कूटी और मोटरसाइकिल की तो बात ही मत करो। इसके बावजूद प्रशासन दावे कर रहा था कि, हालांकि प्रशासन को पता था कि मानसून आने वाला है, तय तारीख भी बता दी गई थी, उसके बावजूद ये कह रहा था कि शहर की पूरी व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, निकासी व्यवस्था बिल्कुल ओके कर दी गई है, कहीं कोई पानी का भराव नहीं होगा। इसके बावजूद पहली बारिश में ये हाल है, आगे भगवान जाने क्या ही होगा।